प्रिंसिपल एक नंबर हेडलाइंस पर, दिल्ली सरकार निगम के स्कूल से लेती है निजी जानकारी, बैन हुआ DCTCR का सर्वे। आज से की बात जगह प्रशासन एक ऑटो पर गिरने के बाद हटाए जा रहे हैं अवैध निजी पोल। ATM से पैसे निकालते वक्त रहे सावधान, वरना आपका बैंक अकाउंट भी हो सकता है खाली। तो देखते हैं खबरें विस्तार। नई दिल्ली नगर निगम ने अब स्कूलों में DCTCR के किसी भी तरह के सर्वे के लिए साफ मनाही कर दी है। स्थायी समिति बैठक ने इसको मंजूरी देते हुए इस रोक लगाने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि सर्वे के आड़ में बच्चों से गलत सवाल किए जाते हैं, जो DMC एक्ट के भी खिलाफ है। निगम के स्कूलों में ऐसा नहीं किया जाएगा। गाजियाबाद शहर में अवैध रूप से लगे यूनिपोल को हटाने का काम चल रहा है। इसी के अंतर्गत गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में लगे अवैध यूनिपोल को हटा रहा है। साथ ही साथ शहर में जितने भी वैध यूनिपोल है उनकी मार्किंग भी की जा रही है। गाजियाबाद में अवैध यूनिपोल की भरमार है। एक तरफ इन अवैध यूनिपोल को लगने से नगर निगम को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो वही दूसरी तरफ इनके राहगीरों पर गिरने का खतरा भी बना रहता है। नई दिल्ली गाजियाबाद राजधानी से सटे गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर पुलिस ने राशिद नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। ATM में आए लोगों का धोखे से ATM कार्ड बदलकर उनका बैंक अकाउंट खाली कर दिया करता था। ATM से जो लोग पैसा निकालने के लिए आते थे उनको बातों में उलझा कर उनका ATM कार्ड बदल लिया करता और उसकी जगह नकली ATM कार्ड उनको दे दिया करता। थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो लोगों के ATM कार्ड किसी बहाने से लोगों के ATM कार्ड बदल के दूसरे कार्ड उनको दे देता है, फेक कार्ड, और उन कार्डों से ट्रांजैक्शन करके पैसे निकाल लेता था। इनके कब्जे से 6 ATM कार्ड बरामद हुए हैं और 50,000 रुपये इसी तरह धोखाधड़ी करके निकाले हुए बरामद किए गए हैं। इस पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। डाउनलोड करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।